गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे बेटा आप? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना? घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। कल बेटा हमने कुछ टर्म देखे, परसेंटेज, है ना, कॉन्सेंट्रेशन जो यूनिट्स थी, फर्स्ट हमने देखा परसेंटेज और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको देखा। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टर्म मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है उसको डिफाइन कर लेते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको कंप्लीट करेंगे। मोलैरिटी, तो नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी, मोलैरिटी इसको कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, है ना, कैपिटल एम। चलिए राइट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द मोलैरिटी नोन एज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट या पर लीटर भी बोल सकते हैं, पर यूनिट या पर लीटर वॉल्यूम इज नोन एज द मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्राम मोल है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मोल, इसको कैसे फाइंड करोगे? तो क्वेश्चन में आपको ग्राम में किसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी गिवन होगी, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर फाइंड करेंगे मोल किसके, वो भी सॉल्यूट के। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं, आपको फॉर्मूला यहीं पर बता देती हूँ कि सॉल्यूट के मोल आप कैसे फाइंड करोगे। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल, ये केवल किसके लिए है, जब आप ये मोल फाइंड करोगे किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, मोलैरिटी के लिए अदर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर केवल एक बेसिक के लिए है कि नंबर ऑफ मोल इट मींस एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू वेट, ये ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ये W अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, ये m, समझ आया? नंबर ऑफ मोल जब आप फॉर्मूले मोलैरिटी का फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपका ये फॉर्मूला
आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट W और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर जो मॉलिकुलर मास है वो क्या है आपके माइंड में होना चाहिए या आपको लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं PDF के थ्रू ठीक है सभी जो भी कंपाउंड रहेंगे उसके मॉलिकुलर मास और जनरली आपको ये सारी चीज़ें निकालनी आती हैं ठीक है। तो मॉलिकुलर मास लर्न होने चाहिए। तो ये है नंबर ऑफ मोल किसके लिए सॉल्यूट के लिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट रखिएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको माइंड में रखना है कि कौन सा आपको कंपाउंड गिवन है सॉल्यूट गिवन है उसका मॉलिकुलर मास आपको यहाँ पर रखना है। जैसे ही आप रखेंगे तो नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएंगे। चलिए ये तो हुआ नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला, हम देखते हैं मोलैरिटी ठीक है। मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल्स टू होता है वेट, वेट या मास भी बोल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है, और यहाँ पर मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है भाई, यहाँ पर इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बट यहाँ पर ये माइंड में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में गिवन हो ml में, तभी यहाँ फॉर्मूले में आप 1000 से क्या करेंगे ऊपर साइड मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। बट अगर आपका वॉल्यूम क्वेश्चन में किस में गिवन हो लीटर में, तब उस कंडीशन में आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ठीक है। चलिए इसके बेस पर हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया बेटा सभी का मोलैरिटी कैपिटल एम कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम किस टाइप से मोल भी निकालेंगे और मोलैरिटी भी फाइंड करेंगे ठीक है भाई। क्वेश्चन राइट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है कैलकुलेट ये मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 6.0 ग्राम 6.0 ग्राम पर लीटर यूरिया सॉल्यूशन, पर लीटर यूरिया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भाई अब जरा देखिए आपको क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, वो भी किसकी करनी है 6.0 ग्राम पर लीटर यूरिया सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आपको क्या गिवन है जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, आपको क्या गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या गिवन है भाई क्वेश्चन में 6.0 ग्राम
ठीक। इसके बाद मॉलिकुलर मास, मैंने अभी बताया था कि आपको क्वेश्चन में जो सॉल्यूट गिवेन है उसके मॉलिकुलर मास आपको लर्न होने चाहिए। तो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई, यहाँ पर सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास कितना होता है भाई? मास होता है 60 ग्राम। कितना होता है? 60, ठीक है। अब यहाँ पर भैया मोलारिटी फाइंड कर लेते हैं, मोलारिटी, ठीक है। कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेट, या कह सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ 1 लीटर दिया है तो लीटर को हम चेंज कर लेते हैं 1000 ग्राम में, ठीक है। तो 1000 ग्राम कर देते हैं, ठीक है। वैसे आप यहाँ 1 भी कर सकते हैं, 1 लीटर की वैल्यू दी है तो 1 भी राइट सकते हैं। हमने 1 को किस में चेंज कर दिया? 1000 ml में, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूले में लिख देते हैं, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आप वेट ऑफ रख दीजिए, वेट क्या रख दें, क्या गिवन है? 6.0, ठीक है भाई। मॉलिकुलर मास 60 इंटू 1000 अपॉन टू 1000, ठीक। ठीक है भाई, 1/10 इक्वल टू 0.1 m मोलारिटी, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा। इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि पीडीएफ के थ्रू सेंड हो जाएंगे, पीडीएफ के चलिए कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टर्म। हमारा सेकेंड टर्म है नॉर्मेलिटी, सेकेंड टर्म क्या है? नॉर्मेलिटी। ओके, नेक्स्ट टर्म लेते हैं नॉर्मेलिटी। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होती क्या, उसको देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक। सेकेंड टर्म है, सॉरी ये थर्ड है, फर्स्ट आपका फर्स्ट जो वीडियो था उसमें कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको किससे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल एन से, ठीक है बेटा, राइट कीजिए। इट इज डिनोटेड एज द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन
पर लीटर पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन It is denoted by N. ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मैलिटी चेक करें. इट इज डिनोटेड एज द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. अब यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला है. ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर, ठीक है, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. अब यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है उसको फाइंड करने के लिए, जो इक्विवेलेंट मास है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, तो हम शॉर्ट में राइट कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये बेसिक के लिए ध्यान रखिएगा, है ना, ये बेसिक के लिए है कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास या वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मॉलिकुलर, ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट मीन जो भी आपको सॉल्यूट गिवन है उसका मॉलिकुलर मास, और यहाँ पर उसकी वैलेंसी. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमें इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा. ठीक, ये बेसिक के लिए ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, ओनली बेसिक कि आप इक्विवेलेंट जो मास या वेट है वो किस टाइप से फाइंड करेंगे. तो मॉलिकुलर मास रखेंगे किसका, सॉल्यूट का, और वैलेंसी रखेंगे उसकी. ठीक है, तो इससे हम इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं. अब देखते हैं कि नॉर्मैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है. तो नॉर्मैलिटी कैपिटल N इक्वल टू होता है मास या वेट भी राइट कर सकते हैं ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. ठीक है, ये है किसका फॉर्मूला, नॉर्मैलिटी फाइंड करने के लिए. ठीक है बेटा, आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मैलिटी फाइंड करने के लिए मास या वेट सॉल्यूट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है भाई, चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से हम
चले क्वेश्चन है, फाइव ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 1 liter of solution calculate the normality ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या, जरा देखें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको वेट गिवन है NaOH। ठीक है, ये क्या है सॉल्यूट, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर वेट क्या गिवन है सॉल्यूट का, तो राइट करते हैं वेट या मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है भाई, कितना गिवन है 5 ग्राम। ठीक, कंप्लीट यहाँ तक। आपको क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है भाई 1 लीटर। लीटर को किस में चेंज कर लें, ml में कर लें, ठीक है। अब चलिए इक्विवेलेंट मास और देख लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ये किसका निकालते हैं, सॉल्यूट का ही निकालेंगे ना, तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको कंप्लीट किया था, क्या था कि मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बैलेंस ही, तो मॉलिकुलर मास रख देते हैं, क्या है मॉलिकुलर मास NaOH 40, बैलेंस ही 1। अब 1 कैसे, देखें सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोक्सी नेगेटिव, तो दोनों की क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। यहाँ तक कंप्लीट। अब भैया जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो नॉर्मेलिटी कैपिटल N इक्वल्स टू क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको 5 ग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या गिवन है 40, 1000 अपॉन 1000। वन अपॉन 8। यहाँ तक कंप्लीट हुई बात, ठीक है भाई, बात कंप्लीट हुई कि नहीं। यहाँ पर आपका ये निकल के आ जाएगा 0.1 नॉर्मल। कंप्लीट बेटा यहाँ तक, ठीक, ये तो हुई नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। ठीक है,
ये कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा पीडीएफ के थ्रू आपके पास सेंड हो जाएंगे। तो आज के लिए मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, कल हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मैलिटी और पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।